अजय देवगन से हो गई इतनी बड़ी गलती कि सबके सामने मांगनी पड़ी माफी। अजय देवगन बॉलीवुड के सिंगम माने जाते हैं, उनके स्टारडम के बारे में तो क्या ही कहा जाए। जितने तगड़े उनकी फैन फॉलोइंग है शायद ही उतनी किसी और की हो। फैंस के दिलों पर राज करते हैं बॉलीवुड के सिंगम अजय देवगन। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि अजय देवगन को सबके सामने मांगनी पड़ी माफी, आइए जानते हैं। रविवार को अजय देवगन ने काजोल की फिल्म हेलीकॉप्टर इला का ट्रेलर लॉन्च किया। बता दें कि अजय इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। ट्रेलर लॉन्च करने के बाद इसकी जमकर तारीफ हुई, लेकिन जल्द ही राइटर और सिंगर वरुण ग्रोवर ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि इला के ट्रेलर में सभी को क्रेडिट दी गई है सिवाय फिल्म के सिंगर स्वानंद किरकिरे को छोड़कर। अब आप ही समझिए कि मेकर्स की नजर में हम कितने बेकार हैं। वेल, इस बात पर ज्यादा बहस होने से पहले ही अजय ने तुरंत माफी मांग ली। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, वी एक्सीडेंटली मिस आउट एट स्वानंद किरकिरेस नेम एज लिरिसिस्ट फ्रॉम हेलीकॉप्टर इला ट्रेलर, एपोलॉजीज रेक्टिफाइंग इट। अजय देवगन के इस ट्वीट के बाद स्वानंद किरकिरे ने ट्वीट करके रिप्लाई दिया है, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार है। वेल, बता दें कि अजय देवगन बैनर तले काजोल की अगली फिल्म है हेलीकॉप्टर इला, जो कि 14 सितंबर 2018 को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म आनंद गांधी की गुजराती प्ले बेटे कागड़ों पर आधारित है। फिल्म का निर्देशन प्रदीप सरकार कर रहे हैं। बहरहाल, इस फिल्म में अजय देवगन तो एक्टिंग करते नहीं दिखेंगे, लेकिन फिलहाल उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। वही बता दें कि अजय देवगन इन दिनों अपनी अगली फिल्म तानाजी में काफी बिजी चल रहे हैं, साथ ही कॉमेडी जॉनर फिल्म टोटल धमाल में भी वो नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, अजय देवगन को लेकर क्या है आपकी राय, ये हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और नव प्रवाह लाइव को सब्सक्राइब करिए।